더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 드러난 나를 यहाँ पे मैं दिया लेकर के जा रही हूँ मंदिर जलाने के लिए और यहाँ पे मैं दीपक जलाने लगी थी मंदिर में और यहाँ पे नाग देवता का मंदिर है और साथ में इधर पीपल का पेड़ है तो सबके पास मैं दीपक जला करके रखूँगी। और दोस्तों आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मंदिर है एक राधा कृष्ण का और फिर एक दुर्गा माँ का मंदिर है और फिर एक शंकर जी की मंदिर है। तो बस सारे जगहों के लिए मैं दीपक ले करके आई थी। और ये देखिए यहाँ का मंदिर का कुछ इस तरीके का नज़ारा है। जब कोविड नहीं था तो यहाँ पे काफ़ी रश होती थी दिवाली के दिन, बहुत सारे लोग आते थे दीपक जलाने। लेकिन अभी तो काफ़ी लोगों के घर में दिवाली नहीं भी मन रही होगी, तो यहाँ पर बस मैं दीपक वगैरह जला लूँगी और उसके बाद घर में सारा पूजा वगैरह करूँगी। और लड्डू गोपाल को मैं शाम को ही भोग लगाती थी। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि ठंड का मौसम है, इसलिए बहुत जल्दी यहाँ पे सूर्यास्त हो जाता है। तो बस अब मंदिर के बाहर भी मैं दीपक जला लूँगी, मंदिर के अंदर दीपक जला करके रखना अलाउ नहीं होता है। तो बस बाहर में यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है मंदिर में, तो बस बाहर में ही दीपक जला करके मैं रख दूँगी और उसके बाद घर के मेन डोर पर दीपक जलाऊंगी। सारे दीपक मैं एक साथ ही लेकर के आई हूँ क्योंकि हम लोग थर्ड फ्लोर पे रहते हैं तो बारी बारी से नीचे नहीं आ सकते हैं। तो बस सारा कुछ लेकर के आ गई थी और बस जला करके और अभी मैं घर जाऊंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। घर पे मेरे हस्बैंड दीपक जलाने की पूरी तैयारी कर रहे थे क्योंकि वो बोले कि तुम जाओ मंदिर में दीपक जला लो, मैं बाकी का इधर दीपक वगैरह जला लूँगा। तो बस अभी मैं जला करके आप लोगों से मिलती हूँ दोस्तों। अभी नहा धो करके मैं मंदिर में दिया वगैरह जला करके वापस आ गई हूँ और बस अभी मैं छत पे जा रही हूँ और वहाँ पे पूजा की तैयारी करनी है मुझे और उसके बाद दिए वगैरह भी जलाने हैं। तो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज से क्योंकि दिन में बहुत ही ज़्यादा काम था, पूजा वगैरह का तैयारी करना था तो इसलिए मैं दिन से स्टार्ट नहीं की। बगल वाले छत पे ये बस यहाँ का मौसम है, बस मैं आ गई हूँ छत पे। देखते हैं आरू आरू ये हम लाइटिंग करी थी थोड़ी सी, कुछ खास नहीं, थोड़ी सी लाइटिंग करी थी। देखो स्माइल बड़ी तो यहाँ पे हम लोगों ने फुलझड़ियाँ जला ली थी और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ थोड़ा सा लाइटिंग। तो ये देखिए मैं लॉर्ड बुद्धा के सामने ये कैंडल होल्डर जो साथ में दिया था तो उसमें मैं ये कैंडल तीन जलाई हूँ और साथ में इधर मैं कैंडल होल्डर में ही जला करके टेबल वगैरह पे रखी हूँ और यहाँ पे बाकी का मैं दिया जला रही हूँ ताकि मैं बाहर और छत पे जला दूँ। और मेन डोर पे भी मैं जब पूजा करने गई थी मंदिर में तो वहीं पे जला दी थी, मेन डोर के लिए भी लेके गई थी और काफ़ी पटाखे छूट रहे थे
तो बस यहाँ पे मैं दिया जला लूँगी और पूजा वगैरह भी सब कुछ हो चुका था। और खाने के लिए आज हमारे घर में बनता है कढ़ी, बड़ी कढ़ी और ओल की सब्जी बनती है जो कि मुझे बनानी है। और बड़ी कढ़ी वगैरह बन चुका है, बस सब्जी बनानी है। तो इसलिए हम लोग इधर अच्छे से पहले दिया जला लेंगे और उसके बाद ही मतलब सब्जी बनाएंगे और फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो ये हमारा पूरा लाइटिंग था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे रंगोली भी बना ली थी, और चूँकि बारिश होने वाली थी तो मैंने उतना रंगोली वगैरह बाहर में नहीं बनाई थी, क्योंकि वो बारिश के पानी से बहुत ज़्यादा फैलने लग जाता है। तो बस छोटा सा ही बनाई थी। और यहाँ पे ये देखिए सीढ़ियों पे इस तरीके से मैं कैंडल ही जला दी थी और बाकी का दिया मैं जला दी थी इधर। और छत पे भी हम लोगों ने कैंडल ही जलाई थी, लेकिन वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। और ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से तोरण लगाया था और गेंदे के फूल का माला लगाई थी मैं। और ये देखिए यहाँ नीचे का नज़ारा क्या है, नीचे बहुत सारे बच्चे बहुत पटाखे छोड़ रहे थे। और ये मैं लाइट ऑफ करके आपको दिखाती हूँ, इस तरीके का लाइटिंग था हमारे घर के अंदर। और ये बाहर का है, ये देखिए यहाँ पे ये दरवाजे पर का है, ये देखिए सीढ़ियों पर का ये कैंडल है जो कि मैं जलाई थी। और अंधेरा करने के बाद इस तरीके से कुछ दिख रहा था हमारा पूरा बाहर का, ये जो गैलरी वगैरह है सब कुछ दिख रहा था इस तरीके से। और बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों। और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी दिवाली भी बहुत अच्छी गई होगी। और बस यहाँ पे दुकान वगैरह भी बंद होने लग गए थे क्योंकि रात के 9 बज गए थे, और वैसे भी दिवाली में जल्दी दुकान वगैरह सब कुछ बंद हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे अब हम लोग खाने का तैयारी करेंगे, लेकिन साथ में हम लोगों ने वो एक गेम भी खेला दिवाली वाले दिन जो खेलते हैं लोग गेम, वो खेले। और उसके बाद ये देखिए ये मेरा पूरा पूजा मैं यहाँ पे कर ली थी। और ये दीपक है जो कि रात पूरे रात जलेगी, और थोड़ी सी लाइटिंग मैं यहाँ पे भी कर दी थी अपने मंदिर वाले एरिया में भी। और बस पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका था। तो बस दोस्तों ये अब सब्जी बने, तो ये ओल की सब्जी मैं बनाऊंगी। और मिलती हूँ मैं फिर से आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।